अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परवनी तहसील के बलसा गांव में कुछ गुंडे लोगों ने अतिक्रमण कर ग्रामवासियों को परेशान कर रखा है। ग्रामवासी इनसे तंग आकर उन्होंने जिला प्रशासन को इनको हटाने की मांग की, लेकिन बलसा ग्रामवासियों की इस बात को प्रशासन ने गंभीरता से ना लेने के कारण और ध्यान नहीं देने की वजह से बलसा ग्रामवासियों ने मतदान पर बहिष्कार डालने का निर्णय लिया। लेकिन जिले के कर्तव्याध्यक्ष जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े इन्होंने बलसा गांववासियों से जाकर चर्चा की और उन ग्रामवासियों के जो प्रश्न हैं और जो परेशानियां हैं वो जल्द से जल्द निपटारा करने का आश्वासन देने के बाद बलसावासियों ने मतदान करना शुरू किया, जिसके कारण देर रात तक यहां पर मतदान चला। समय जिले के कर्तव्याध्यक्ष जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। 17 परभणी लोकसभा मतदार संघातील परभणी तालुक्यातील बलसा हे गाव आहे। येथील ग्रामस्थांनी गावातलं अतिक्रमण हटवण्याच्या मागणीच्या अनुषंगाने मतदानावरती बहिष्कार टाकलेला होता। यापूर्वी ते आमच्या कार्यालयात येऊन त्यांनी निवेदन दिलं होतं, त्यावर त्यांना आपण रितसर उत्तर दिलं होतं, तरी देखील ग्रामस्थांचं त्याबद्दल समाधान झालं नव्हते। हे अतिक्रमण साधारण 2009 पासूनचा विषय आहे, त्यामध्ये काही कायदेशीर मान्य न्यायालयाचे आदेश देखील आहेत। सर्व हे तपासून आम्ही आचारसंहिता संपल्यानंतर 1 महिन्याच्या आत जिल्हा परिषद, गट विकास अधिकारी व ग्रामपंचायत तसंच जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून कायदेशीर बाबीचं पालन करून आम्ही अतिक्रमण आचारसंहिता संपल्यानंतर 1 महिन्याच्या आत निष्कासित करू असं लेखी आश्वासन मी जिल्हाधिकारी म्हणून ग्रामस्थांना दिलेलं आहे आणि त्याचं आम्ही पालन करू। आणि त्याच अनुषंगाने ग्रामस्थांना विनंती करण्यात आलेली आहे की आपण मतदानावरचा बहिष्कार मागं घ्यावा व 100% मतदान करून एक आदर्श निर्माण करावा असं आपली आवाहन नम्र आवाहन त्यांना केलेलं आहे व त्यांना त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला आहे। 26 अप्रैल 2024 शुक्रवार के रोज 17 परभणी लोकसभा चुनाव क्षेत्र में मतदान शुरू रहते समय शाम 5:15 पर तूफानी हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई। इस दरमियान जिंतूर विधानसभा क्षेत्र के जिंतूर औंडा मार्ग के चुनाव प्रशिक्षण केंद्र में लगाए गए मंडप पूरी तरह से हवा के साथ बारिश से गिर गया। वहाँ के भोजन कक्ष में पूरी जगह पर पानी ही पानी हो जाने के कारण मतदान अधिकारी और कर्मचारियों को बड़े परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरमियान पहले ही 17 परभणी लोकसभा चुनाव क्षेत्र में मंडप के निविदा को लेकर और उनके आए हुए दर को देखकर यहाँ पहले ही मीडिया में इसका मामला उछला हुआ है और उसमें सोने पर सुहागा, हर जगह पर इस तरीके से धांधलियाँ मची है कि यहाँ के मंडप गिर रहे हैं पर मतदान केंद्रों पर इनकी छाँव नहीं की गई। इस बात को लेकर अब करते हुए अध्यक्ष जिला कलेक्टर इस पर क्या निर्णय लेंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की फतरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गाठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें डॉक्टर गोविंद कामटे आयुर्वेदिक विद्या विशारद बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। 17 परभणी लोकसभा चुनाव का मतदान 26 अप्रैल 2024 के सुबह 7 बजे से शुरू हुआ। सुबह मतदाताओं ने जोश दिखाते हुए मतदान केंद्र पर मतदाताओं की कतारें दिखाई दी, लेकिन इस समय मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के कतारों के लिए जिस तरह से नियोजन होना चाहिए था जिला प्रशासन कम दिखाई दिया, जिसके कारण कई खामियां दिखाई दी। कुछ जगह पर मतदाता इतने तपती धूप में भी मतदान केंद्रों पर धूप में ही खड़े होते दिखाई दिए, तो कई जगहों पर मतदान केंद्रों के दो दो केंद्र होते हुए इन केंद्रों पर नियोजन शून्य तरीके से दिखाई देने के कारण महिला और पुरुषों की लाइनें में धांधलियां नजर आई। परभणी के केंद्र क्रमांक 153 और 154 यशवंत कॉलेज गुलशन आवक पर यही तरीके का माहौल दिखाई दिया, जिससे यहां के मतदाताओं को बड़े परेशानियों का सामना करना पड़ा। 17वीं परभणी लोकसभा चुनाव में 34 उम्मीदवारों के भविष्य ईवीएम मशीनों में बंद रहते हुए लोकसभा आम चुनाव के दूसरे चरण में परभणी लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों ने भी अपना वोट की अधिकार बजाया, जिसमें यहां पर पहली मर्तबा वोट किए हुए नौजवान 18 साल के जो नए वोटर थे उनमें ज़्यादा ही जोश और स्फूर्ति दिखाई दी। जिला चुनाव रिटर्निंग अधिकारी रघुनाथ गावड़े ने बताया कि परभणी लोकसभा क्षेत्र में कुल औसतम मतदान लगभग 60.09% हो रहा है। परभणी लोकसभा आम चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया निर्वाचन क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों में 2290 मतदान केंद्रों पर कुछ जगह की छुटपुट घटनाएं छोड़कर शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न हुआ।
दरमियान 17 परवनी लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा न्याय हुए मतदान सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक के इस प्रकार रहे। जिंतूर में कुल मतदान 3,72,977 में से 2,05,777 मतदाताओं ने अपना मतदान का हक जताते हुए 55.17% मतदान हुआ है, तो परभणी विधानसभा से 3,35,397 में से 2,01,461 मतदाताओं ने यानी कि 60.07% मतदान हुआ है। गंगाखेड़ विधानसभा से 4,08,908 में से 2,53,601 मतदाताओं ने मतदान किया, 66.02 इस तरीके से मतदान हुआ है। श्री विधानसभा से 3,79,014 में से 2,40,446 यानी कि 63.44% मतदान हुआ है। परतूर विधानसभा से 3,11,350 में से 1,85,000 यानी 59.42% मतदान हुआ है, तो घनसावंगी विधानसभा से 3,15,410 मतदाताओं में से 1,99,532 यानी 60.09% मतदान हुआ है। इसलिए 17 परवनी लोकसभा क्षेत्र से कुल मिलाकर सरासरी देखा जाए तो 60.09% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। परवनी लोकसभा क्षेत्र से 6 विधानसभा क्षेत्रों में सभी वोटिंग मशीनें कड़ी सुरक्षा के बीच कृषि इंजीनियर कॉलेज वसंतराव नाईक मराठवाड़ा विश्वविद्यालय परवनी यहाँ के स्ट्रांग रूम में लाए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी रघुनाथ गावड़े इन्होंने बताया कि चूंकि सभी वोटिंग मशीनों को आयोग के निरीक्षकों के जिला निर्वाचन निर्णय अधिकारी सहायक निर्वाचन निर्णय अधिकारी सहायक निर्वाचन निर्णय अधिकारी उम्मीदवारों और उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में सील करने की प्रक्रिया की गई है। हमको राशन दुकानदारों को तहसीलदार की तरफ से एक आदेश आया था कि जो पोलिंग बूथ में जो कर्मचारी बैठे थे उनको खाने का पानी का चाय का इंतजाम करना, तो हमने वो इंतजाम का भरपूर शारदा महाविद्यालय के अंदर जो है ना प्रशासन का थोड़ा सा दुर्लक्ष था। यहाँ पे जो है ना लेडीज जो है तो पूरी धूप में खड़ी हुई थी और उनके लिए जो है तो टेंट का इंतज़ाम नहीं किया गया और इनको जो है तो पानी के लिए तकलीफ थी और लेडीज़ जो है ना कोई शुगर बीपी पेशेंट रहते इनके लिए जो है ना धूप में खड़े रहकर मतदान किया गया। मतदान बेहतरीन हुआ सब हुआ। प्रशासन जो है ना थोड़ा सा दुर्लक्ष किया है। टेंट हाउस टेंट वगैरह लगाना चाहिए था क्योंकि जो है ना बहुत सारी लेडीज़ धूप के अंदर खड़ी रही। मैंने जो है तो जोनल ऑफिसर को भी कहा कि आप कंप्लेन भी लीजिए और 13 नंबर हॉल के अंदर जो है ना मशीन स्लो चल रही थी। वहाँ के ऑफिसर का काम था कि मशीन को जो है तो चेंज किया जाए फास्ट किया जाए, तो वो कुछ एजेड आदमी रहने की वजह से वो हमारे आंग पे आ रहा है, वो कुछ बात नहीं कर सक रहा और वो जोनल ऑफिसर को ये कहा कि तुम मेरे रूम से बाहर चले जाओ। जोनल ऑफिसर को बाहर निकाला उसने। प्रशासन की तरफ से पानी का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ। इब्राहिम भाई ने जो है तो पानी के जार वगैरह भेजे। 1 बजे के टाइम में उनको बोला गया कि भाई पानी यहाँ पे नहीं है और प्रशासन ने पानी का इंतज़ाम नहीं किया और प्राइवेट लोग इब्राहिम भाई ने जो है ना पानी भेजा अंदर और सहूलत की पानी की और यहाँ पे जो है ना शारदा महाविद्यालय के सामने साइड में टेंट लगाकर लोगों को जो है तो उन्होंने सहायता दिए पानी का इंतज़ाम किए और वहाँ से जो है तो लोगों को अंदर जाने के लिए बताया गया। नामों में कुछ करेक्शन था, नाम चिट्ठियों नहीं थी, उनको चिट्ठियाँ दिए गए। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास, बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ, पूरी तरह से कुदरती व खालिस प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, जेलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू, बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे, पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए, चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा व चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक।
17 परवनी लोकसभा चुनाव का मतदान 26 अप्रैल 2024 के सुबह 7 बजे से शुरू होते हुए शाम 6 बजे तक किस तरीके से मतदान हुआ है, मतदान के विधानसभा चुनाव क्षेत्र से हर 2-3 घंटे को किस तरीके से टक्केवारी बढ़ती गई है, इसके बारे में जो ब्यौरा मिला है उसको हम आपके सामने बता रहे हैं। परवनी के लोकसभा चुनाव क्षेत्र में परवनी जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र और जालना जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र इसमें शामिल रहते हुए 6 विधानसभा चुनाव क्षेत्र का लोकसभा चुनाव परवनी लोकसभा चुनाव क्षेत्र बना हुआ है। 95 जिंतूर विधानसभा क्षेत्र में सरासरी देखा जाए तो 55.17% मतदान हुआ है। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक 12.14% मतदान हुआ था। 9 बजे से लेकर 11 बजे तक के दरमियान 22.2% मतदान हुआ। इसी तरीके से 1 बजे 38.1% मतदान हुआ, तो 3 बजे 45% मतदान हुआ, 5 बजे 51% मतदान हुआ और आखिरी दरमियान 6 बजे तक 55.17% मतदान किया गया। 96 परवनी विधानसभा चुनाव क्षेत्र से सुबह 9 बजे तक 10.1% मतदान हुआ, तो 11 बजे 20.28% मतदान हुआ, 1 बजे 33.9% मतदान हुआ, दोपहर 3 बजे तक 44.15% मतदान हुआ, 5 बजे 55.12% मतदान हुआ और शाम 6 बजे तक 60.07% मतदान की नोंद की गई है। 97 गंगाखेड़ विधानसभा चुनाव क्षेत्र से सुबह 9 बजे तक 7.86% सबसे कम यहां पर मतदान सुबह में हुआ, उसके बाद 11 बजे 22.14% मतदान हुआ, दोपहर 1 बजे तक 31.52% मतदान हुआ, दोपहर 3 बजे तक 47.15% मतदान हुआ, शाम 5 बजे तक 53.5 और आखिर 6 बजे तक 62.02% मतदान की नोंद की गई है। 95 पाथरी विधानसभा चुनाव क्षेत्र से सुबह 9 बजे तक 10.33% मतदान किया गया, तो 11 बजे 22.04, दोपहर 1 बजे तक 34.16, दोपहर 3 बजे 44.56 और शाम 5 बजे 56.84 और आखिर 6 बजे तक 63.44% सबसे ज्यादा परवनी जिले के लोकसभा चुनाव क्षेत्र में विधानसभा चुनाव क्षेत्र से सबसे ज्यादा टक्केवारी यहां पर प्राप्त हुई है। 99 परतूर विधानसभा क्षेत्र से 9 बजे तक 8.35% रहा, सुबह 11 बजे तक 21.41% रहा, दोपहर 1 बजे तक 33.95% और दोपहर 3 बजे तक 43.25% और 5 बजे 52.82%, शाम 6 बजे तक 59.42% रहा। परवनी लोकसभा चुनाव क्षेत्र में सबसे कम मतदाताओं ने वोट किया ऐसी टक्केवारी दिखाने वाली विधानसभा परतूर में 59.42 बताई जा रही है। तो विधानसभा घनसावंगी में सुबह 9 बजे तक 9.50%, सुबह 11 बजे 21.99%, तो दोपहर 1 बजे 31.50%, 3 बजे 41.95% और 5 बजे 53.35% और आखिरी 6 बजे 60.09% मतदान हुआ। 17 परवनी लोकसभा क्षेत्र में कुल मतदान लगभग 60.09% मतदान होता हुआ इसकी नोंद की गई है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव क्षेत्र में 63% सरासरी मतदान की नोंद की गई थी, 2024 में ये टक्केवारी नीचे उतरते हुए नजर आ रही है। प्रशासन ने इतनी जन जागृति करने के बावजूद मतदाताओं ने उत्साह क्यों नहीं दिखाया, इसकी वजह उम्मीदवारों के नाम की रही या फिर मतदाताओं ने मूलभूत सुविधाओं को लेकर लोकसभा चुनाव क्षेत्र में प्रश्न और मुद्दे नहीं रखने की वजह से मतदाताओं में निरुत्साही दिखाई दिया, ऐसा मतदाताओं से सुनने को मिल रहा है। सभा मतदार संघामध्ये सकाळी 7 वाजे पासून लोकसभेचं मतदान सुरू आहे। मतदारांच्या मध्ये प्रचंड उत्साह आहे, मोठ्या प्रमाणात मतदान सुरू आहे, मात्र मतदार उमेदवारांची संख्या 34 असल्यामुळे थोडासा वेळ मतदानासाठी लागत आहे, तरी मतदारांमध्ये प्रचंड उत्साह आहे, ते पूर्णपणे मतदान करत आहेत। परभणी जिल्ह्यामध्ये आतापर्यंत कायदा सुव्यवस्थेचा कुठलाही प्रश्न निर्माण झालेला नाही। साधारण 20 मशीन काही कारणास्तव बंद पडल्या होत्या, त्याची वेळीच रिप्लेसमेंट केलेली आहे। पुरेसा पोलीस बंदोबस्त आहे, मतदान कर्मचारी देखील पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहे। मोठ्या प्रमाणात रांगा आपण या ठिकाणी पाहत आहोत। प्रशासनाने पूर्ण तयारी केलेली आहे, फक्त थोडी उमेदवार संख्या जास्त असल्यामुळे थोडासा वेळ मतदारांना आपलं मत नोंदवण्यासाठी लागत आहे। आपण पाहता या झाकीर हुसेन मधल्या सर्व मतदान केंद्रावर मतदारांनी प्रचंड संख्येने लाईन लावलेले आहेत, निश्चितपणे मतदानाचा टक्का वाढेल अशी मला खात्री आहे।
देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमान मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आंख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी, खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराह से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर जनपद, बलरामपुर यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें, मोबाइल नंबर 9793041936, 9175546259। हमारा न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रही है, इस पर जरूर कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, और इसके ऊपर जितना हो सके उतने कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको ये न्यूज किस तरह पसंद आ रही है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।